अब देखो गोस्ट बस्टर की मूवी अपनी अटपटी स्टोरी की वजह से जानी जाती है, और स्टोरी की बात कर ही रहे तो उसका मेन फोकस कॉमेडी पर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉमेडी से लॉजिकल वाली कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर लॉजिकल कॉमेडी होती तो शायद इसका नाम गोस्ट बस्टर नहीं होता, ठीक है। तो हेलो गाइज, यार कैसे हो आप सब लोग, होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत गोस्ट बस्टर मूवी के बारे में बात करूंगा, और उसके साथ जो नया टीजर आया है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। अब गोस्ट बस्टर की टोटल 3 मूवी आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं 2 मूवीज़ को कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज उसके बाद रिबूट हो चुका है। और यहाँ पर मैं 1984 और 1989 वाली गोस्ट बस्टर जो एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है उस मूवी के बारे में इसलिए बात नहीं करूँगा, बिकॉज उसके बाद 2016 में इसको रिबूट किया गया था, और उसमें भी आपको फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसमें सिर्फ एक ही मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो हमारे क्रिस हेम्सवर्थ ने किया है, पार्ट रोल निभाया है, ठीक है। और उसमें भी हमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक रिसेप्शनिस्ट का दिखाया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा डम्ब दिखाने की कोशिश की गई है क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, बट एक इम्पैक्ट पड़ जाता है मूवी पर इससे, कि जो आपको जो एक्टर है उसको एक अच्छा सूटेबल एक कैरेक्टर नहीं मिलता, तो उससे मूवी पर तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नहीं एक्टर पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना है, पर उसका इम्पैक्ट पीछे यानी कि ऑडियंस पे पड़ सकता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर आपको समझाता हूँ कि जैसे कि फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका को जो रोल है वो वियार्ट रूसल को मिलता है, तो उससे क्या होता है कि देखो एक्टर तो अपना अच्छी तरीके से काम कर ही रहा है, अपना जो भी परफॉर्मेंस देना चाहता है वो 100% देता है, बट उसका इम्पैक्ट है ना वो ऑडियंस पे कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला 2016 की गोस्ट बस्टर की मूवी में। और फाइनली उसका सेकंड पार्ट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज यहाँ पे पूरे जो कैरेक्टर है वो पूरे चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे जो नई कास्टिंग की गई है वो बहुत ही ज़्यादा पिछली वाली से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पॉल रूड देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें फीन वॉल्फ हार्ड देखने को मिलता है, और उसके साथ यहाँ पे बिल मरे भी देखने को मिलता है, और ये ही नहीं इसके साथ हमें एसके सिमोंस भी देखने को मिलता है जो हमें पीछे एमसीयू में हमें जे जेमसन का रोल निभाते हुए दिखे थे डेली ब्यूगल .net पर। ओके, तो ये सारी तो कास्टिंग की बात होगी, अब बात करें स्टोरी की। तो स्टोरी में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिपीटेड स्टोरी हो सकती है, बट ये तो कह सकते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि भाई पहली जो मूवी थी 1984 और 1989 और उसके साथ 2016 वाली मूवी, उसमें कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि भाई हमें गोस्ट का शिकार करना है, ठीक है, तो यही कुछ होने वाला है। बट यहाँ पे देखो एक ऐसी स्क्वाड जैसा कुछ बनाया हुआ नहीं है, राइट, कि भाई ऐसी 4 बंदों की या फिर 4 फीमेल कैरेक्टर की एक टीम है जो जाएगी वैन लेके और फिर गोस्ट को हंट करेगी, ऐसा कुछ तो अब मुझे लगता नहीं है, बिकॉज मैंने जब कास्टिंग में देखा तो ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। और उसके साथ अगर स्टोरी की बात करें तो हंट तो होगा, देखो अब गोस्ट बस्टर नाम है तो फिर ऐसा कुछ तो होगा ही होगा, राइट। और बिकॉज इसकी जो कास्टिंग है वो फेमस एक्टर है, तो मेरे ख्याल से इस मूवी को थोड़ी बहुत हाइप तो मिल ही जाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और गाइज मिलते हैं नए वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।